रचना जी का घर इतना बड़ा है, इस घर में आने के लिए आपको लिफ्ट चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद पीएड बाबा। आज डेट है 23 अक्टूबर 2021 और मेरा है कर्नाटका टूर का 26वां दिन। और अभी हमें मैसूर सिटी में, जो कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्लीन सिटी है, और ये जो मेरा रूम दिख रहा है अभी, दीदी लोग यहाँ की सफाई कर रही हैं तो हाउस कीपिंग चल रहा है। ये है डॉर्मेट्री। अभी मैं रुका हूँ यूथ हॉस्टल में, इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल मैसूर में। तो ये इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हैं, मोर देन 300 ब्रांचेस इनकी मेंबरशिप होती है, और इंटरनेशनल में भी, इंडिया के बाहर भी इनके बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो ये आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे या फिर booking.com पे 300 रुपये का एक बेड मिल जाता है। सारी फैसिलिटी है, क्लीनिंग बहुत अच्छा है, चेकआउट कर सकते हो। तो भाई ये थी हमारी प्रॉपर्टीज में रुके थे हम पिछले ऑलमोस्ट 10-12 दिन रुका यहाँ पे। और मेरा बेड ये था D2012। भाई बहुत ज़्यादा जुड़ी यार इस रूम से, स्पेशली इस टॉम से। तो भाई आज का प्लान ये है, आज हम जाने वाले हैं वायनाड। यानी वायनाड है केरला में, बहुत खूबसूरत गांव है या सिटी है मेरे को नहीं पता है, लेकिन वायनाड जाने का रीज़न है मैं अपनी एक दोस्त से मिला था। स्ट्रेंजर फ्रेंड, सोलो ट्रैवलर थी, तो वो इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में आई थी घूमने के लिए लास्ट वीकेंड पे। तभी उससे मुलाकात हुई तो उसने बताया वायनाड केरला में बहुत खूबसूरत है, यू कैन विजिट। तो इसीलिए आज जा रहा हूँ वीकेंड पे वायनाड। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। वेरी एक्साइटेड फॉर माई वेरी न्यू स्टेट दैट इज केरला। केरला भाई कुछ तो बात है, इसलिए बुला रही है हमें। ओके तो भाई मैसूर में अपना आखिरी दिन, कोई नहीं, हर जगह पर अपना आखिरी दिन ही होता है यार, कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा कहीं जाने के लिए। ले आए मैसूर ने दिल तो ले लिया है, आते रहेंगे दोबारा। अपने साथ पाजी तो हैं, पाजी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं। तो क्या पता पाजी के एक्ट में ही, पाजी कौन सा रोल दोगे मेरे को? मेरे पास बहुत सारे सुपर रोल है, बस मैं आपके सामने रख दूंगा, आप चूज कर लेना। बताओ यार, ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट बिखरी पड़ी है, ले लो। पाजी तुसी दिल जीत लिया। थैंक यू भाई। ओके भाई, तो रचना जी का ये है घर, जिसका नाम है आशा है, और आशा है। और आशाओं के साथ ही हम आए यहाँ पे, बहुत मस्त मस्त मिठाइयाँ मिलेंगी। रचना जी का घर इतना बड़ा है, इस घर में आने के लिए आपको लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट से आप आ सकते हो यहाँ पे। बटन है। पीछे जो दिख रहा है आपको रेस्टोरेंट बॉम्बे, ये है रचना जी का। रचना जी का घर तो बड़ा है ही, लेकिन दिल उससे बड़ा है यार, दिल उससे बहुत बहुत बड़ा, गिनती नहीं है भाई। गाइस अभी हम हैं बॉम्बे स्टिफनी और हमारे साथ है मनोज सर, ये है रचना जी के हस्बैंड। बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है और बहुत बड़ा ही है इनका दिल। तो अगर आप आ रहे हो मैसूर तो मैं रचना जी का नंबर और मनोज जी का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कॉल कीजिए अगर आपको टेस्टी फूड खाना है। मैंने अभी तक खाया नहीं है, लेकिन मेरे को क्रेविंग हो रहा है और स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है, तो डू चेक आउट दिस रेस्टोरेंट। पाजी क्या खाना है आपको? मुझे तो मुझे लग रहा है कि मैं सब खा जाऊँ यार, आई विश कि इनका जितना बड़ा दिल है उतना बड़ा मेरा पेट हो पाता। अभी हो ना, शाम को भी हो, कल जा रहा हूँ मैं। ये सारा ऊपर एरिया, यहाँ पे सब पैकिंग हो रही है ड्राई फ्रूट्स का,
और जी कैसा है बताओ जरा, क्या खा रहे हो अभी आप? ये मूंग दाल का हलवा है, ये रसमलाई है, ये मैंने चखी नहीं अब तक, और ये मैंने परसों ये मावा कचौड़ी, मावा कचौड़ी। पता नहीं मैं कैसा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे में पानी आ रहा है। वीडियो छोड़ दो, पहले खा लो यार, मैं खाने वाला हूँ। चलो गाइस मैं आपको शॉर्ट्स खा रहा हूँ, देखते रहना, इतने में खाता रहता हूँ। आपके सब्सक्राइबर्स को भी थोड़ा सा खिला देते हैं अगर वो खा सकते हैं यहाँ से तो। खाओ खाओ। हम सच में खा सकते हैं इतना? मुझे तो दो दिन का नाश्ता, मतलब दो दिन लंच नहीं चाहिए, मैं ये टेस्ट नहीं भुलाना चाहता बॉम्बे जाके यहाँ से। मेरे को तो वायनाड जाना है, अभी केरला जाना है। नहीं जाते हैं, यही बस जाते हैं, यही बस जाते हैं। रचना जी क्या है ये? फ्रूट कप। ये फ्रूट कप है और ये पेठा। पेठे के अंदर भी कुछ है बीच में? ओह मलाई, माय गॉड। मुझे मुझे पता था पेठे पेठा आगरा का फेमस है, पर अब मुझे लग रहा है कि नहीं, पेठा बॉम्बे टिफिनिस का फेमस है, वो भी कुवेंपु नगर। मैं आपको बता दूं, ग्लास सैंडविच। यूजुअली क्या होता है ना कि हम खाने से स्टार्ट करते हैं और ये सारा आता है डेजर्ट में, लेकिन हमने इतना अच्छा था ना, हमने डेजर्ट से स्टार्ट किया है और एक चीज और खत्म भी डेजर्ट पे करेंगे। कैसा है ढोकला? मैंने तो सिंपल ढोकले के अलावा बाकी ढोकले जिंदगी में कभी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि ये होते हैं, आज यहाँ बॉम्बे टिफिनिस में आके पता चला। और एक बात मिठाइयों के बारे में, मुझे लगता था बंगाल की मिठाइयाँ ही सारी दुनिया की बेस्ट हैं, आज सच में कह रहा हूँ, दिल से शब्द निकल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि भैया बंगाल बंगाल भूल जाओ यार, मैसूर का ये जो कुवेंपु बॉम्बे टिफिनिस है, इसके अलावा कोई मैंने बेस्ट मिठाई नहीं खाई। भाई मैंने अपनी 24-25 साल की लाइफ में केवल एक ही तरह का ढोकला खाया है। मुझे पता ही नहीं था प्लेन ढोकला होते हैं। यहाँ पे पनीर ढोकला है, टोमेटो ढोकला है। मैं जानता नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं। यार अभी लग रहा है कि यार दुनिया में कितना कुछ देखने को बाकी है यार, खाने को। खाने को बाकी। और पेठा हम लोग को नॉर्मली मिलता है, सिर्फ पेठा मिलता है, बीच में ये नहीं आता है, लोगों ने ये भी। और क्या क्या मस्त क्या नाम रखा है इस पेठे का? सैंडविच, ग्लास ग्लास सैंडविच। बताओ यार इतना टेस्टी नहीं होता, लेकिन नहीं यार कुछ और ही है। मजा आ गया यार, क्या चाट थी भाई बॉम्बे स्टिफनी में। खाना तो खा लिया, अब सोने के, मतलब ऐसा इतना आरामदायक खाना खाया, अब लग रहा है कि सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए बस। मैं बस में कैसे जाऊंगा भाई, बस में सोना चाहूँ मैं। लेकिन अभी जाना पड़ेगा बस स्टैंड, यहाँ से वायनाड निकलना है। लेकिन यार क्या जेस्चर है रचना जी का, क्या स्वागत किया भाई, क्या मेहमान नवाजी है, बहुत जबरदस्त। This was? No reservation. ओके सो मैसूर टू कैलपटा इज 180 rupees। तो अभी बस रुकी है चाय पानी नाश्ता के लिए, और ये जगह का नाम है कुंडलपेड़ा, जो कि मैसूर से है 50 किलोमीटर, और आगे आने वाला है बांदीपुर टाइगर नेशनल पार्क। केरला इज़ प्रीटी चीप, और इस एरिया में तो, क्योंकि भाई लेमन सोडा पे 10 रुपये गए, नॉट एक्सपेक्टेड। और कितना सस्ता हुआ केरला जाके देखते हैं। The next day. So he is प्रवीण, कल आया था मेरे को पिक करने बस स्टैंड पे। प्रवीण अलीना का फ्रेंड है, अलीना मेरे को मिली थी मैसूर यूथ हॉस्टल में। तो अभी 11 बज रहे हैं, तो मैं अपना लगेज, अभी हम स्कूटी लेके आने वाले हैं, रेंट पे स्कूटी ले आए, वो कितने का पड़ा बता दूँ हमें, स्कूटी लेके आएंगे इधर से, और प्रवीण का घर इधर है, दरिया में जाना है वाटरफॉल के लिए। तो अपना जो मेरा बड़ा वाला बैकपैक है ये डाल दूंगा मैं इसे घर पे। We have reached Royal Brothers. यहीं से हमें लेने वाले हैं स्कूटी, जो पड़ी हमें 580 रुपये की 24 घंटे के लिए। बुकिंग हर्षित। ओके बट दे आर आस्किंग मी फॉर द ओरिजिनल लाइसेंस,
अगर रास्ते में पुलिस वाले रोकते हैं तो इनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर स्कूटी चाहिए आपको तो दे विल आस्क फॉर द लाइसेंस। तो पता नहीं अगर पुलिस वाले रोकेंगे अगर वो ओरिजिनल लाइसेंस मांगते हैं, पता नहीं क्या वो देखते हैं। तो यार यहाँ पे 12 घंटे ये 24 घंटे की स्कूटी मिली है 580 रुपये की, लाइसेंस इनको दे दिया है स्कूटी उठानी है। ये है अलीना और इसके घर के आस पास होगा, हम कैसे जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं। गुड आफ्टरनून अलीना जुले जो पूरा ट्रेल जा रहा है भानुसूरा डैम के लिए। और केरला यार ग्रीन तो बहुत है, बहुत सुंदर है और अवेलेबिलिटी सारी यहाँ पे, पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। हॉस्टल्स का भी कल्चर नहीं है जैसे नॉर्थ में है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। अमेजिंग, दिस इज भानुसूरा डैम, doesn't look like a dam, it's like a river flowing। टाइम हो गया भाई यहाँ से निकलने का और हमें दो कड़क लौंडे मिले हैं भाई केरला के, जिन्होंने हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज दिखी हैं जो आपको मिलने वाली है इंस्टाग्राम पे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, जिसका नाम है ट्रैवल विद भाई, मेरे अकाउंट का नाम है। तो ये भाई दोनों जिन्होंने हमारी फोटो खींची है। भाई नाम क्या है? आशिफ। आपका? शानिफ। कहाँ से आप? फ्रॉम वेयर आर यू? फ्रॉम वायनाड। अमेजिंग यार, वी हैव अलीना, यू ऑल नो अलीना। सो लेट्स गो टू, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? पता में। पीछे आपको जो दिख रहा है सारा डैम का पानी है। जब ये डैम बना था, बात कर रहा हूँ भानुसूरा डैम की, तो इस पानी के नीचे पूरा एक गांव है, यहाँ पर मंदिर टेंपल घर सब है। तो जब डैम बना था लोगों को निकाल दिया गया था बता के कि यहाँ पर डैम बनने वाला है, और सारा यहाँ पर जो गांव था सारा ख़त्म हो गया। वी हैव अलीना, शी इज़ अ लोकलाइट फ्रॉम वायनाड एंड शी गोना टेल यू अबाउट द प्लेस। ये यहाँ पे एक जगह है जो पानी के अंदर डूबी हुई है, बताने वाली है। गो अहेड। The biggest town in Wayanad is actually under this water body only. So before when this dam was constructed, people were asked to remove from here, and then this dam was constructed. So actually there are still buildings, churches, temples, everything under this water. क्या बात है यार, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्विम करके अंदर, देखना पड़ेगा चर्च है कि नहीं।